का प्रोसेस होता है, ईवीएम थोड़ा सा उसके जो ईवीएम का जो रुझान होता है वो थोड़ी बाद में आता है, पोस्टल बैलेट पहले आता है, तभी ये जो चीज़ें हमने देखा है कि टैली में फिर उसके बाद परिवर्तन आता है और ये चीज़ें भी चेंज होगी। अरविंद सर जैसे कह रहे थे कि वो ये जो है बहुत तेज़ी से आती हुई जो चीज़ें हैं, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए ये इतनी टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ कंप्यूटर क्रांति हुई, दुनिया के देशों के मुकाबले में भारत जितना है, उसी लिए तो डिजिटल पर हम बहुत आगे जा रहे हैं। माने एलन मस्क भी भारत आके नमस्कार कर रहा है और जितने लोग हैं। देखिए लगातार बड़ा अपडेट मिल रहा है, एक और बड़ी खबर, घोसी से सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सबसे बड़ा फैसले का दिन है आज, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, पप्पू यादव जो कि काफी अग्रेशन में हैं, और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मीसा भारती को लेकर खबर आ रही है, इससे पहले कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही थी, लेकिन मीसा भारती को लेकर खबर की वो फिलहाल आगे हो गई है। बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है और रुझान जो आ रहे हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, ओवर टू। तो लगातार ये टेरी जो है वो चेंज हो रही है, लगातार इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनडीए 224, सिंडे 120, अदर्स 13, पोस्टल बैलेट, उसके बाद ईवीएम शुरू और ईवीएम के भी रुझान आने शुरू हो गए। टेक्नोलॉजी की बात आलोक सर कर रहे थे, जाहिर सी बात है एलन मस्क के लेकर के और तमाम जितने टेक्नोलॉजिकल जॉइंट से लेकर के तमाम चीज़ें सबको इंडिया ही चाहिए। आलोक सर, सुपर कंप्यूटर, हाँ, एक समय में जब मांगने जाता था 85 में राजीव गांधी के साथ गए तो अंगूठा दिखा दिया गया सुपर कंप्यूटर। अब यह है कि 40% अमेरिका में हमारे लोग काम कर रहे हैं जिसके बल पर वहां पर काम कर रहा है, मोबाइल में दुनिया में सबसे आगे है। तो मुझे लगता है कि क्रांति है, सारी सिलिकॉन वैली कौन चला रहा है सर, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए टेक्नोलॉजी से परिणाम जो भी हो, और अभी ये बताया जाना चाहिए कि सैनिक या जो सरकारी ऐसी सेवाओं में जो काम कर रहे हैं पोस्टल बैलेट के, जिनको सुविधा निर्वाचन आयोग देता है, उनके संकेत मिल रहे हैं। अभी हम इसको कोई परिणाम की तरफ तो बहुत आगे, जो 15-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है जो छोटा मोटा देश होता है अफ्रीका का, हमारे यहाँ तो एक चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है। इसलिए अरविंद जी को खुश होना चाहिए कि अब लोकतंत्र में 12 बजे हम आपको बता देंगे कि कितना कौन आगे चला गया, आप देखते रहिए हमको। चलिए आज 12 आज भी बजेगा, अभी कोई दूसरा। हाँ बिल्कुल, 12 किसी की तो बजना ही है। देखिए हमारा तो रंजीत सिंह के समय से यही है कि 12 बजा देंगे जिसको भी बजाना है। आज भी बजना है 12 बजे तक, देखते हैं कितना क्रांति होती है। तो अरविंद जी आज लड्डू दोनों तरफ बन रहा है, उधर कांग्रेस मुख्यालय में भी और बीजेपी मुख्यालय में भी, बेड़ में पूरी के साथ, कहाँ का लड्डू खाइएगा या दोनों का लड्डू? और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, बैलेट पेपर काउंट किए जा रहे हैं। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, अभी दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी आगे नजर आ रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, कोटा से ओम बिरला के आगे चलने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान अब पीछे हो गए हैं, जो शुरुआत में आगे चल रहे थे अब पीछे हो गए, हालांकि अभी और ये टैली बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है उसके जो रुझान आ रहे हैं, उसके बाद ईवीएम का पिटारा भी खुलेगा, उसकी भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरुआती रुझान है जिसमें करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, और अलग अलग जगह से जो जानकारी मिल रही है, कोटा से ओम बिरला को लेकर खबर आ रही है कि वो आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हालांकि संजीव बालियान अब पीछे हो गए हैं, अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही हैं। रुझान आपको बता रहे हैं लगातार, एक एक सीट का ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा पीछे चल रही हैं, गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह आगे हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको लेकर ये अपडेट मिल रही है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, मंडी से कंगना रनौत अब आगे हो गई हैं, इससे पहले वो पीछे चल रही थी। तो शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम की भी गिनती होगी, ईवीएम का भी पिटारा खुलेगा और जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है वो तस्वीर साफ हो जाएगी, किस करवट ऊंट बैठेगा ये सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। तो फिलहाल जो ये रुझान आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, 2024 में जनता के फैसले का ये रुझान, शुरुआती रुझान, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। कंगना रनौत मंडी से जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही हैं,
खूब जुबानी जो जंग है वो हुई है विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच। दिलचस्प मुकाबला है। सचिन, ओवर टू यू, क्योंकि